राजपूताना छात्रावास आईआईटी बीएचयू और बीटेक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं आ सकता हूँ ये जूता पहन के? ये मतलब अगर हम रूम को देखें तो रूम, ये बिरला हॉस्टल इतना बड़ा है, इससे जब इससे अच्छा तो मतलब एक एलबीएस हॉस्टल। अभी हम इससे पहले एलबीएस हॉस्टल शूट किए, काफ़ी स्पेशियस टाइल्स वाइज लगे हुए हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली वो नया कंस्ट्रक्शन है ना, तो ये पुराने कंस्ट्रक्शन इसी टाइप के हैं सारे, पुराने हॉस्टल हैं। अच्छा है ये हॉस्टल में रहना? हाँ अच्छा, बढ़िया लग रहा है। हाँ तो अब देखेंगे हॉस्टल में क्या मिलता है। वैसे हॉस्टल में ये बेड हमें, मतलब ये चौकी दोनों मिलती है, बेड हमें खरीदना पड़ता है। और क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें? ये हैंगर मिलता है जो कि टूटा फूटा हुआ है क्या? अच्छा, रूम काफी पुराना है। रूम की जो सीलिंग है ना, वो देखेंगे ये सर्कल शेप में है, आर्क बना हुआ है, आर्क बना हुआ है जिसमें रिइंफोर्समेंट कम लगता है इसमें। तो पुराने जमाने में ऐसे ही बनता था, पुराने जमाने में। हाँ, अब रूप सीधा होने लगा है, फ्लैट हो गया है। उसमें स्टील ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, तो सीधा होने लगा है। इसमें सारा लोड दीवाल पे चला जाता है, छत का। बढ़िया कौन सा होता है, फ्लैट वाला या ऐसे वाला? नहीं, समय के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो नया चीज हमेशा अच्छा होता है। तो अच्छा, कंप्यूटर्स भी रखे गए हैं यहाँ पे। अरे थोड़ा सा एक बार दिखाइएगा, ये टेबल क्या, ये यूनिवर्सिटी देती है? आईआईटी भी टेबल, चेयर और दो बेड दिया रहता है, मतलब दो टेबल, दो चेयर और दो बेड दिया रहता है, बाकी चीजें हमारी हैं। ये आपकी है, ये सिस्टम किसका है? आपका है? अभी ये कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं क्या आप? प्लेसमेंट की तैयारी चल रही है। किस ईयर में है आप भाई साहब? फाइनल ईयर में हूँ। क्या नाम है आपका? अमन सिंह। क्या ब्रांच है आपका? मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल, ये चलिए। ये हम लोगों ने मतलब आज फॉल्ट हो गया था, तो आज संडे है तो इलेक्ट्रिशियन आ नहीं पाएंगे, तो हम लोगों ने टेम्प्रोरी थोड़ा सा अभी काम करना है तो कर ले रहे हैं, फिर इसको ठीक कर देंगे। अच्छा, ये था पूरा, एक कवर्ड मिल जाता है, बस एक ही कवर्ड मिलता है। हाँ। और एक ऐसा खुला हुआ अलमारी मिल जाता है, और बस यही है, एक छोटा सा रूम, और छोटे से रूम के बाहर एक हरी भरी दुनिया है। हाँ। पूरा घास वास लगा, मच्छर ना आए इसलिए उसमें जाली भी लगवाया गया है, काफी इंतजाम किया गया है। मच्छर तो नहीं काटते यहाँ पे? नहीं, मच्छर नहीं है। चलिए तो ये है पूरा वीडियो, और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। नयन दास साहब, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। मैंने एक पहला ऐसा हॉस्टल का रूम देखा जिसमें सिस्टम रखा हुआ है और कोडिंग चल रही है, ठीक है। हम सबका एक नया नया एक्सपीरियंस होता है, हमारा भी है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नयन दास साहब, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।